नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने देशव्यापी रेल रोको आंदोलन के चलते आज जाखल जंक्शन के टोहाना रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों को रोका। दोनों ट्रेनों में सवार यात्री काफी परेशान नजर आए तो दूसरी तरफ किसानों को रेलवे ट्रैक पर पड़ाव डाल करके सरकार के खिलाफ अपना विरोध भी जताया। जाखल जंक्शन पर किसानों ने श्रीनगर से दिल्ली जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोका तो वहीं टोहाना से किसानों ने दिल्ली से लुधियाना जा रही सरबत भला ट्रेन को भी रोक लिया। दोनों जगहों पर ट्रेन रोके जाने के कारण ट्रेन में सवार यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अबोध बच्चों के साथ सफ़र कर रहे यात्री तो काफ़ी परेशान नजर आए तो वहीं दूसरी ओर अबोध बच्चों के साथ सफ़र कर रहे यात्री इस हालात से काफ़ी मजबूर नजर आए। उनका कहना था कि अगर इसके अलावा कोई और अन्य साधन यहाँ पर मिल जाए तो आगे बढ़ा जाए। ट्रेन रोकने वाले किसान जत्थे के किसान नेता रणजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि यूपी के लक्ष्मीपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की शह पर उनके बेटे तथा चार किसानों और एक पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमारी मांग है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो। आज किसान मोर्चा के आह्वान पर हमने इस मांग के विषय को लेकर के देश भर में रेल रोको आंदोलन चलाया है और हमने यहाँ पर ट्रेन रोकी है। हम देशवासियों से भी हाथ जोड़कर अपील करते हैं और क्षमा मांगते हैं कि उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सरकार को चेताने और जगाने के लिए इस तरह का ये आंदोलन हमें मजबूरीवश करना पड़ रहा है। वहीं रेल रोके जाने से परेशान यात्री नीरू ने बताया कि मुझे नई दिल्ली के लिए जाना है और मैं आज बच्चों के साथ हूँ, काफ़ी सामान मेरे पास है और मुझे कल अलग अलग जगह पर जाना है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, कल सुबह पर ड्यूटी पर भी पहुंचना है। रास्ते में ही ट्रेन रुक गई है जिसके कारण मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है। अगर मैं समय पर कल ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाई तो मुझे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट। 3 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा के साथी जो केंद्रीय राज्य गृह मंत्री है अजय मिश्रा और उसके साथ जो यूपी का उप मुख्यमंत्री है उनका प्रोग्राम था तो जो है इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले अजय मिश्रा ने एक बहुत ज़्यादा भद्दा और भड़काऊ बयान दिया था कि मैं एमएलए मंत्री बाद में हूँ, मैं जो पहले था आप लोगों को पता होना चाहिए, सुधर जाओ नहीं 2 मिनट में सुधार दूंगा। यानी कि धमकी दी गई थी किसानों को, क्योंकि वहां तराई एरिया में विरोध होने के बाद उनका रास्ता बदल दिया गया था। किसान अपने घरों को जा रहे थे तब मंत्री की शह के ऊपर उसके बेटे आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ा करके 4 किसान और एक पत्रकार की जो हत्या कर दी थी वो साथी शहीद हो गए थे। लेकिन जो सरकार है तार करना चाहिए था लेकिन सरकार नहीं कर रही, उसके खिलाफ के जो है अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए, इन बातों को लेकर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर रेल रोको जो है सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक है। उसी कड़ी के तहत हमने यहाँ रेल रुकी हुई है। हम जो यात्री जो सफर कर रहे हैं जिनको तकलीफ हो रही है हम उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, क्योंकि हम भी मजबूर है। जब तक सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा वो गुंडा मंत्री इसी तरह बाहर घूमता रहेगा, हम उसकी गिरफ्तारी होने तक जो है लड़ाई लड़ते रहे। नहीं, आप रेलगाड़ी के यात्री हैं, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ जाना है आप? हम न्यू दिल्ली से आए हैं, जगराऊं जा रहे हैं। बच्चों के साथ सफर करने में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि ट्रेन अब बीच में रोक दी गई है, तो बच्चों के साथ इतना सामान ले जाके जो सिंगल थे वो चले गए पैसेंजर, हमारे पास सामान ही इतने, हम जाएं कैसे? छोटे बच्चे हैं दोनों, ये जो छोटी गुड़िया है 3.5 साल की, इसके साथ जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप बताएं कि गाड़ी रोकी हुई है, बताया गया आपको गाड़ी क्यों रुकी हुई है? हाँ जी गया हुआ, तो उसी वजह से गाड़ी रुकी हुई है, किसानों के मोर्चे के कारण गाड़ी रुकी है। हाँ जी, तो आपको भारी परेशानी हो रही है? हाँ जी भारी परेशानी हो रही है, बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं। कल मैंने जॉब ज्वाइन करनी है, मैं 10 दिन की लीव पे थी, अगर नहीं पहुंच पाई टाइम से तो कल मेरी फिर वो सारी छुट्टी लग जाएगी। आन लीव पर सर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं हम। सर मैं ना वरेंद्र सिंह। वरेंद्र जी बताएं आप कहां से आ रहे हैं, कहां जाना है आपने? मैं दिल्ली से आया हूं, मैं मोगा जाना है।
वो ट्रेन यहीं पे खड़ी हो गई है टवाणा में, तो क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो सर हो ही रही है, कहाँ 2 बजे हमने पहुंचना था वहाँ, अभी 4 बजे तक यहाँ कह रहे हैं कि ट्रेन रुकेगी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। जो रेलगाड़ी है सरवंदा बला यहीं स्टेशन पर खड़ी हुई है काफ़ी देर से, क्या कारण है इसका? अभी किसान आंदोलन की वजह से गाड़ी 10 से 4 बजे तक का उनका रेल रोको आंदोलन है, उसकी वजह से गाड़ी खड़ी करवा दी है। तो ये 4 बजे के बाद जाएगी गाड़ी अब? हाँ, अभी तो फिलहाल यही प्रोग्राम है, 4 बजे किसान उठने के बाद लाइन से, उसके बाद जाएगी। तो यात्री काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं खाने पीने के मामले में, अन्य मामलों में भी, क्या उनका अरेंजमेंट कोई किया हुआ है या नहीं? रेलवे की तरफ से अरेंजमेंट पानी की व्यवस्था करवा दी गई है, अभी खाने पीने का, चाय पानी का अरेंजमेंट किया जा रहा है।